हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिमी। आप सबके लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो पे इतना लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को मैंने प्लेन कुर्ती के ऊपर किया है। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को कोई भी प्लेन टॉप या कुर्ती के ऊपर भी आप कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को करने के लिए आपको थोड़ी बहुत टाइम की ज़रूरत है, बट ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुर्ती के साइड पे पेंसिल से आउटलाइन कर लेना है। इसके बाहर हमें पेंट को नहीं करना है, इसके बाहर हमें पेंट नहीं करना है, इसलिए मैंने पेंसिल से किया है। अब हमें यूज़ करना है कलर के लिए। मैं मॉव एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और फ्लैट ब्रश 4 नंबर की फ्लैट ब्रश। आप अपने पसंद के कलर भी यूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। इस फ्लावर में 4 पेटल होगा, ऐसे एक एक पेटल को हमें पेंट करना है। अब चाहे तो पहले ऊपर और नीचे की पेटल करने के बाद साइड पे 2 कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अब इस साइड पे भी हमें करना है। यहाँ पर पेंट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने प्रेस तो की थी बट ठीक से शायद नहीं हुआ। यहाँ थोड़ी श्रिंक है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। कुर्ती के नीचे एक कार्डबोर्ड या पेपर कुछ ज़रूर रखिए, नहीं तो कलर नीचे लग जाएगी आपकी ड्रेस पे, बैक साइड पे। आफ्टर वॉश ये कलर कुछ नहीं होता है, ये ऐसे ही रहते, बट इसको कैसे मेंटेन करना है, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। बहुत इजी है। इस फ्लावर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये छोटी छोटी फ्लावर है, हमें साइड पे भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इस पेंटिंग को करने के लिए मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि ये थोड़ी हेवी वर्क है इसलिए, बट आफ्टर पेंटिंग ये बहुत ही खूबसूरत है। अब ज़रूर अपनी कोई सिंपल कोई टॉप या कुर्ती के ऊपर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन और कुछ भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बोल सकते हैं। मेरी एक न्यू चैनल है, ब्लॉग की चैनल, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे। आई होप आपको वो वीडियो भी अच्छी लगेगी। ऐसे साइड पे जहाँ पर हमें पूरे फ्लावर करने की जगह नहीं है, वहाँ पर हमें सिर्फ 1-2 पेटल ऐसे करना है, अगर जगह नहीं है तो। क्योंकि हमें आउटलाइन के बाहर भी नहीं जाना है और आउटलाइन के अंदर भी हमें ज़्यादा गैप नहीं देना है, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए हमें अगर 1-2 पेटल करना पड़े तो भी करना होगा। लंबाई में इससे ज़्यादा लंबा मैं नहीं बनाऊंगी डिज़ाइन को। अब हमें राइट साइड पे भी सेम तरीके से जैसे ऐसे इस साइड पे किया था, इस साइड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, पूरा नहीं हुआ है, ऐसे उस साइड पे भी हमें करना है।
बाकी की फ्लावर को भी पेंट कर लूंगी। ध्यान रहे कलर आपके हाथ पे ना लग जाए, क्योंकि हाथ से कलर फिर कपड़ों पे लग सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरे हाथ पे कलर लग गए। अब साइड पे जहां ऐसे जगह थोड़ी कम है वहां हमें ऐसे एक दो पेटल को करना है ऐसे। और इस पूरे डिजाइन के अंदर भी जहां थोड़ी जगह ज्यादा लग रही है हमें, वहां भी हमें एक दो पेटल ऐसे एक्स्ट्रा करना है, नहीं तो बीच में गैप रह जाएगी और ये डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए अब इस डिज़ाइन कुछ ऐसे लगेगी। इसके बाद हमें इसके ऊपर गोल्डन येलो कलर लेना है और ब्रश के बैक साइड पे कलर लेके हमें फ्लावर के अंदर ऐसे छोटे छोटे स्मॉल राउंड करना है। अब अपने पसंद के कलर यूज़ कीजिए ड्रेस के अकॉर्डिंग। ऐसे इसके अंदर हमें करना है। इस कलर को कंप्लीटली एकदम ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही हमें इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल ब्लैक जस्ट एक पॉइंट इसके अंदर देना है ऐसे। आई होप आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख सकते हैं ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है।